कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है। चीनी 52 रुपए थी, आज 120 रुपए हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। कल को खुदा ना खास्ता 420 हो जाएगी और होगा इंशाल्लाह ताला। अरे वाह अद्भुत। जो हमारा साथ हम साया मुल्क है हिंदुस्तान है, जो अगर सही समझो तो वो मुसलमानों से अच्छे हैं। अरे वाह। मुसलमान अंदर का खोटा है। कहता हो रे करता हो रे। मुनाफिक है हम लोग। हाँ मुनाफिक है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? मैं मुंह पर कहूंगा मुनाफिक है। मसला क्या है? मेरे बुजुर्गों भाइयों आप देखें, आटा 38 रुपए से 85 रुपए किलो पहुंच गया। ये है तरक्की। साले को खोपड़ी तोड़ने, खोपड़ी तोड़ साले। वहाँ लोगों की बेटियां बैठी है शादीशुदा करने के लिए, लोगों के पास पैसे नहीं है। एक आदमी का मैंने सुना है, मेरे बेटे ने बताया, तो उस आदमी का पास मोटरसाइकिल था, उसका बेल आया, उसने मोटरसाइकिल बेच के बेल अदा किया, पता नहीं वो कहाँ का है। रो क्यों रहे हैं आप? रो इन्हों के जो कार है कारना में उससे रो रहे हैं। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। मेरे बुजुर्गों भाइयों आप देखें कि घी उसमें बेपना इजाफा हो चुका। आज एक गरीब घराना घर में एक वक्त की रोटी नहीं पका सकता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भिखारिस्तान का भिखारे आजम कितना भी बड़ा चोर हो डाकू हो, लेकिन यार एक बात माननी पड़ेगी, दिल का बड़ा सच्चा इंसान है। कैसे? जितने भी उसने अपनी लाइफ में कर्मकांड किए हैं सबको कबूल कर रहा है कि उसने कैसे अपनी आवाम का जीना हराम कर रखा है। तो चलिए आज इनके भिखारे आजम का ही आनंद उठाया जाए। एक गरीब घराना तबाह हो गया, पाकिस्तान के आवाम तबाह हो गए। यही गुजारिश है कि महंगाई कम करें। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था मैं तो अपने कपड़े बेच के भी जो है आवाम को रिलीफ दूंगा। पाकिस्तान खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को IMF के हवाले गिरवी कर दिया। अब आया ना लाइन पे। मैंने कहा था कि अगर जेब खाली है तो बजट जाली है। ये है तरक्की। मुल्क दिवालिया हो चुका है, हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहां से जा रही है, हम FDI के तलाश में थे, रिवर्स FDI हो रहा है। दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान में बेरोजगारी का आलम तो देखिए यार, ग्रेजुएट बंदा बुढ़वक के बाल बेच रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैंने ना ग्रेजुएशन की हुई और लच्छे बेच रहा हूँ यार, ये मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि मेरे बारे कुछ सोचें। 5 मेरे बच्चे हैं, बहुत तंग हूँ यार, ग्रेजुएशन करके मैं इस मुल्क में ना बेरोजगार फिर रहा हूँ। आपको जॉब नहीं मिली? कोई जॉब नहीं मिली। 99 में मैंने मैट्रिक की थी, 2-3 में मैंने वो की थी ग्रेजुएशन। 20 साल हो गए मुझे ग्रेजुएशन की और जॉब नहीं मिली, और मैं ये लच्छों के साथ गुजारा करूं, 5 बच्चे हैं और बहुत परेशान हूं। तो ये लच्छों के साथ गुजारा करना, इतनी महंगाई में गुजर बसर कैसे होता आपका? गुजर बसर नहीं होता, एक दिन दो दिन घर में चूल्हा ही बंद रहता है। तो मैं हुकूमत को चाहता हूँ कि वो मेरे बारे कुछ सोचें और मुझे कुछ जॉब का अरेंज कर दें। हाँ बहुत बेरोजगारी है तो बहुत परेशान हूँ मैं। आपको जॉब नहीं मिली या आपने की नहीं जॉब? मिली नहीं मुझे, मैंने बहुत अप्लाई किया, जहाँ जाता रिश्वत मांगते हैं। इस मुल्क में रिश्वत के बगैर कोई हल ही नहीं है। देखें यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी लोगों को जॉबें नहीं मिल रही और वो जो है वो लच्छा बेचने पे मजबूर हैं। क्या करें बेचारे, गुजर बसर तो करना है, 3 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते, 1 टाइम की रोटी खाते हैं। उन्होंने क्या बेचना, कुछ भी नहीं बेचना, खुद खा रहे हैं बैठे कुर्सी पे। पाकिस्तान ही बेचना उन्होंने। तो फिर आवाम का क्या होगा? आवाम का जो हो रहा है वही होगा ना। के मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दवाइयाँ 400% महंगी हो गई। ये है तरक्की। आप देखें कि हर रोज बिजली और पेट्रोल के बिल आपके ऊपर आवाम के ऊपर बम बनकर गिर रहे हैं। ये है तरक्की। कैसे गुजर बसर करते हैं? बड़ी मुश्किल से हो जाती है गुजर बसर, क्या करें हम, किसको बताएं, कोई सुनने वाला तो है नहीं। पहले हुकूमत चेंज होगी, फिर उसके बाद हुकूमत वाले कोई बात सुनते ही नहीं है, क्या करें, किसने हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है। और आवाम का इस वक्त बुरा हाल है। ये है तरक्की। आवाम
दुहाइयां दे रही है। ये है तरक्की के ए अल्लाह, ये वो पाकिस्तान नहीं जो हजरत कायदे आजम ने बनाया था। हाँ भाई हाँ। ये वो पाकिस्तान नहीं जो आपके बुजुर्गों ने अपना खून देकर बनाया था। हाँ भाई हाँ। रात गुजरे, अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। आइए अवाम से जानते हैं कि उसके इस बारे में क्या राय है। मुझे ये बताएं कि रात गुजरे पेट्रोल महंगा हो गया। ये देखें, ये पेट्रोल रात को ये एक धावा बोलते हैं अवाम पे महंगाई का, सुबह इनकी बात कुछ और होती है जी। ये कौन सी हुकूमत है जो लोगों पे जुल्म करने ही आई है? गरीब बंदा पिस के रह गया, उसकी कुछ सुनता ही नहीं है। ना इस मुल्क में कानून है, ना इंसाफ है, ना कुछ है। पेट्रोल छोड़ दो, अब इस मुल्क में सबसे पहले इंसाफ दो लोगों को, फिर बात करो जाके पेट्रोल की इनसे कहें। पेट्रोल तो एक चीज़ है, इन्होंने महंगा करना है, सस्ता करना है, लेकिन ये जब तक हम खुद नहीं ना निकलेंगे महंगाई के खिलाफ, तब तक हमारे पे ऐसे ही जुल्म होता रहेगा। बाहैसियत है पूरी कौम। खत्ते में पाकिस्तान में महंगाई बाकी मुल्कों से कम है। छोटे चेतन ने ये लाल टोपी क्यों पहनी है, ये मेरी समझ से बाहर है। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बद्दुआएं देंगे इनको जो महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल वगैरह कर दिया। क्या कह सकती कौम, कुछ नहीं कह सकती। कौम का वोट ही कुछ नहीं, कौम की हैसियत ही कुछ नहीं। तो कौम को क्या बेटा कहेंगे आप? कोई इज्जत मिली कौम को? कोई नहीं मिली। ये पेट्रोल छोड़ के यहाँ पे आप खून बेचना शुरू कर दें, लोग नहीं बोलेंगे? हम बेहिस लोग हैं, हम कौम नहीं हैं, हम एक हजूम है जिसमें बस फिर रहे हैं। जिसका दिल चाहता है हमें हाँक के इधर ले जाता है, जिसका दिल चाहता है हाँक के इधर ले जाता है। यहाँ सब चोर मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, आपको पता है कौन कौन से चोर हैं। निकलो घरों से, निकलो, निकलो के घरों से बाहर, इंशाल्लाह। ये आवाम रोड़ों पे आ गई है, रोड़ों पे आ गई है आवाम। महंगाई के खिलाफ जंग करोगे इंशाल्लाह? क्यों नहीं करेंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप बढ़ेगा तो भाई रोड पे आ जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे हम। वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ मेरे बुजुर्गों भाइयों और नौजवान साथियों, 100 रुपए किलो है। हाँ, सिर महंगा है, चीनी महंगा है, घी महंगा है, केरा महंगा नहीं, गरीबी है ना, की करेगा। रोटी रोटी सस्ती कर दी है, सस्ती कितनी है? 30 रुपए रोटी है ना, सस्ता है 30 रुपए का रोटी एक। ये हमें निकलना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि रोटी भी तो सस्ती हुई है। रोटी किधर सस्ती हुई, 20 की तो बिक्री है, वो सामने होटल है उधर जाओ, उधर पर हुकूमत ने तो सस्ती कर दी है, अब ये तंदूर वालों ने महंगी की हुई है। तंदूर वाले की करण, वो बेचारे कितो खर्चा पूरा करण, कितो पैसे कितो पूरे करण, दिहाड़ियां मजदूर रखे ने, भी उन्हां दे मजदूर हैगे ने, उन्हां ने कितो खानी है? महंगी बेचणगे ते खानगे, अगो कटेगी ते फेर ही है, ते केड़ा हुक्मरान बन जांदा, वो अपनी मनांदा हैगा वा। लोग जो है ना वो गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं, और कुछ लोग इतने ज्यादा दिल बर्दाश्त हैं कि वो कह रहे हैं महंगाई होगी तो और होनी चाहिए। और फिर वही वक्त लाएंगे जब चीनी 52 रुपए पे हुआ करती थी, जब घी 38 रुपए पे हुआ करता था। अरे छोटे चेतन, कौन सा माल फूक के आया है 38 रुपए किलो घी? सोई हुई आवाम, बस आवाम सोई हुई है, तो इसके साथ यही होना है। सब ने अपने कड़छे चमचे, 101 कड़छा चमचा रखा हुआ है हर एक ने, वो जब आते हैं ऊपर तो उन कड़छों चमचों की वारे ने आ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं तो अपने कपड़े बेच के भी जो है ना वो आवाम को रिलीफ दूंगा। तो पता नहीं उसने बेचने की नहीं बेच, असी तो बेचने पे हैं, हम तो बेच रहे हैं, उनको उन्होंने नहीं बेचने, उन्होंने पूरी आवाम को बेच देना। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे ग्लो कर ले। वाह क्या बात है, पहली बार छोटे चेतन ने बिना अटके, बिना किसी से पूछे, बिना किसी हेल्प के डायलॉग बोल दिया। तो सारे भाई लोग 1.5 ताली बजाओ छोटे चेतन के लिए। अगले दिन का हमें कोई पता नहीं है, ये तो पाकिस्तान का तो अल्लाह वारिस है। ये हुकूमत वगैरह जो ना किसी काम की नहीं है। मरियन नवाज कह रही है गरीबों के लिए मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, ये मजदूर वगैरह ये रश्के ले, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। 1200 में दिहाड़ी में क्या कर सकते हैं? अरे मेरे पास जार है, कोई आदमी साबित करे 1200 में कोई घर का खर्चा पूरा कर सकता है? तो ये था आज का वीडियो, देखा कैसे इनकी आवाम का जीना मुश्किल हो रखा है। पाकिस्तानी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके लोग तो बोलते हैं पाकिस्तान की मईशत आलम इस्लाम पे सबसे ऊपर है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। और आप सभी भाई लोग के लिए नई आइटम पकड़ के लाया हूँ, कैसी लगी? अगर नई आइटम अच्छी लगी हो तो बोल देना किट्टू भाई वंस मोर। आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, और कोई मेरे बालों पर कमेंट नहीं करेगा, चूहे कुतर गए मेरे बाल, अब खुश।